हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। कितने बजे से? 9:30 बजे से, ठीक है। 9:30 से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है और यहाँ पर आज हम लोग अक्टूबर से लेकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। 200 से ज़्यादा क्वेश्चन है। एग्ज़ाम से पहले रिवीजन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि रिवीजन अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और करेंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा टाइम भी आपको देना है ये लास्ट टाइम में। तो आपको शुरू से कहे हैं कि अक्टूबर से लेकर आपको जून तक का करेंट अफेयर्स पढ़ कर जाना है SSC CHSL 2020 के लिए। और CGL के लिए करेंट अफेयर्स की बात करें तो जनवरी से लेकर जुलाई तक का करेंट अफेयर्स पूरा पढ़ के जाना होगा CGL वालों के लिए, है ना। 4 को एग्ज़ाम होगा, 4 अगस्त को, तो उसके फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम से ही पता चल जाएगा कि जो करेंट अफेयर्स है वो मार्च तक का रहा है या जून तक का रहा है या जुलाई तक का रहा है, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग, मैं अभी भी 110% मेरा अपना पूर्ण विश्वास है कि क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ होगा। मार्च अप्रैल तक का भी अगर आपने कर रखा है करेंट अफेयर्स तो मोर देन इनफ है। देखते हैं, एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उससे पता चल जाएगा। तो आज जो करेंट अफेयर्स का जितना भी क्वेश्चंस है, मैंने आपको हर एक करेंट अफेयर्स मंथ वाइज भी करवा दिया है, तो सभी का यहाँ पर निचोर है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चंस हैं, इधर उधर का बकवास क्वेश्चन नहीं है। जिस पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसी पैटर्न पे जो है यहाँ पे क्वेश्चंस भी मैंने लिया है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके स्क्रीन पर अब क्वेश्चन दिखाई देगा और उसका आंसर। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन इज द नेशनल यूनिटी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। भारत में नेशनल यूनिटी डे ये कब होता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। नेशनल यूनिटी डे, आंसर सबका आ रहा है, सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, वेरी गुड। 31 अक्टूबर कहना है, जो कि एकदम करेक्ट आंसर है। 31 अक्टूबर को होता है क्या, नेशनल यूनिटी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द आरोग्य वन इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेटेड किया है क्या आरोग्य वन, किस स्टेट में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस स्टेट में किया गया है, तो वो गुजरात होने वाला है यहाँ पर राइट आंसर, है ना। गुजरात रखना है आपको याद। आरोग्य वन किस स्टेट में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, गुजरात होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड सिटीज डे। तो कब होता है वर्ल्ड सिटीज डे, वर्ल्ड सिटीज डे किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। इम्पॉर्टेंट डेज याद कर लेना है सभी को। तो वर्ल्ड सिटीज डे होता है कब, 31 अक्टूबर को होता है क्या वर्ल्ड सिटीज डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता दिवस और नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस या आप यूं कहें नेशनल यूनिटी डे, ये कब होता है, ठीक है, और किसके याद में ये होता है, किस लीडर के। चलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को होता है ये, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, आयरन मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वॉट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड सिटीज डे। 2020 का थीम क्या था वर्ल्ड सिटीज डे का, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वॉट इज द थीम ऑफ 2020 वर्ल्ड सिटीज डे, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, थीम था वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, है ना। वर्ल्ड सिटीज डे का क्या थीम था, वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन मूवी हैज़ रिसेंटली बैग्ड एन अवार्ड एट द 14th एशियन फिल्म अवार्ड 2020, ठीक है। तो 14th एशियन फिल्म अवार्ड 2020 किस इंडियन मूवी को दिया गया है,
ये सब करेंट अफेयर्स कब का है? अक्टूबर का है, है ना। तो इस रिसेंटली पे नहीं जाना है, ठीक है। बस क्या आपने पढ़ा है उसको याद रखना है। तो 14th एशियन फिल्म अवार्ड 2020 किस इंडियन मूवी को दिया गया है? तो गली बॉय राइट आंसर होगा, जो कि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की मूवी थी, गली बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज द चेयर फॉर द 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड वर्चुअली ऑन 27th अक्टूबर 2020? ठीक है, तो ब्रिक्स 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम जो है ये कहाँ पर हुआ था? 6th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम हेल्ड वर्चुअली ऑन 27th अक्टूबर 2020, ये कहाँ पे हुआ था? रशिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, रशिया इज द राइट आंसर। कौन कौन से कंट्री हैं ब्रिक्स में? तो ब्राज़ील, ठीक है, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, ठीक है, चाइना, साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लेयर हैज वॉन द 2020 पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स? तो 2020 का जो है पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स किस प्लेयर ने जीत लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यही सब क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस है। याद रखना है कि 2020 का पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन इज द राइट आंसर, इन्होंने जीत लिया है 2020 का पोर्तुगीज ग्रैंड प्रिक्स 2020, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड इज मार्क्ड एनुअली ऑन विच डे? स्नो लियोपार्ड डे ये कब होता है? इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे ये कब ऑब्जर्व होता है? राइट आंसर क्या होगा? 23rd अक्टूबर को क्या होता है? 23rd अक्टूबर को इंटरनेशनल स्नो लियोपार्ड डे होता है ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली? तो यूनाइटेड नेशंस डे ये कब होता है? यूनाइटेड नेशंस डे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24th अक्टूबर होगा करेक्ट आंसर, 24th अक्टूबर को होता है यूनाइटेड नेशंस डे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने टॉप किया है लिस्ट ऑफ टॉप 30 डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, लेह जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड पोलियो डे कब होता है सेलिब्रेट? वर्ल्ड पोलियो डे राइट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राइट आंसर क्या होने वाला है वर्ल्ड पोलियो डे का? 24th अक्टूबर हो जाएगा राइट आंसर, 24th अक्टूबर को क्या होता है? वर्ल्ड पोलियो डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइंड द IMF एज इट्स 190th मेंबर? तो 190वां जो है वो मेंबर्स कौन ज्वाइन किया है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है IMF का फुल फॉर्म। तो इसका 190वां जो मेंबर है वो कौन सा कंट्री है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, एंडोरा यहां पर करेक्ट आंसर होगा। हेड क्वार्टर कहां है IMF का? तो वॉशिंगटन DC में है, और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टियाना जॉर्जिविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पावर इंडेक्स 2020? भारत का रैंक यहां पर बताना है आप सभी को कि भारत का क्या रैंक था इन द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में। भारत का रैंक एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक कितना था? वो था 4th, ठीक है, 4th रैंक था इंडिया का। और एशिया पावर इंडेक्स में जो है फर्स्ट पोजीशन पे है US, सेकंड पोजीशन पे है चाइना, थर्ड पोजीशन पे है जापान, और फोर्थ पोजीशन पे कौन है? इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड ऑस्ट्रोपोसिस डे ये कब होता है ऑब्जर्व्ड? When is the World Osteoporosis Day marked globally? करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ये कब होता है?
तो याद रखना है सबको, 20 अक्टूबर को ये होता है, 20 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, कौन सा कंट्री को इलेक्टेड किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, इंडिया यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, हु विच बैंक हैज़ वॉन द 2020 सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किस बैंक ने जो है जीत लिया है 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो कौन सा बैंक है। करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, तो बैंक ऑफ घाना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बैंक ऑफ घाना ये जीत लिया है 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द 2020 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, 2020 का नोबेल प्राइज जो है इकोनॉमिक्स एंड साइंस में किसे दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या होगा, और ये एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है क्योंकि ये एकदम आएगा ही आएगा। करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, ठीक है, किसने जीत लिया है 2020 का नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड साइंस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉल आर मिलग्रोम एंड रॉबर्ट बी विल्सन जो है ये दोनों ने जीत लिया है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एंड फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक होते हैं गवर्नर, चार होते हैं डेप्यूटी गवर्नर। तो जो कौन है वो डेप्यूटी गवर्नर जिनको अपॉइंट किया गया है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम राजेश्वर राव। ठीक है, एम राजेश्वर राव यहां पर है करेक्ट आंसर, और टी रावि शंकर को भी जो है डेप्यूटी गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, टी रावि शंकर को कब अपॉइंट किया गया है, मई में, और अक्टूबर या नवंबर के टाइम में एम राजेश्वर राव को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेयर हु बीट कैरोलिना मारिन इन डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 टू लिफ्ट वोमेन सिंगल टाइटल। तो किस प्लेयर ने जीत लिया है यहाँ पर, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेम द प्लेयर हु बीट कैरोलिना मारिन इन डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 टू लिफ्ट वोमेन सिंगल टाइटल। उस प्लेयर का नाम क्या है, नोजोमी ओकुहारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स, ये क्वेश्चन तो आपको करवा दिए हैं कि रैंक क्या है भारत का एशिया पावर इंडेक्स में, वो तो फोर्थ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हुज टर्म हैज बीन एक्सटेंडेड टिल अगस्त 2021। ओके, तो उस होम सेक्रेटरी का नाम क्या है जिनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंडेड कर दिया गया है, कब तक, अगस्त के 2021 तक के लिए। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला यहां पर करेक्ट आंसर है, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, नेम द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन कौन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है ये, इसके MD, चेयरमैन, ये सब एकदम याद होना चाहिए। तो कौन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रजनीश कुमार यहां पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, रजनीश कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, हु हैव वॉन द 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसे दिया गया है, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, हु हैव वॉन द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में किनको दिया गया है। यहां पर करेक्ट आंसर होगा
अच्छा यहाँ पर क्या है, न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, तो यहाँ पर करेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है क्या? चलिए यहाँ पर रजनीश कुमार की जगह पे आप यहाँ पर लिखिए दिनेश कुमार खर्रा। ये है न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, हाँ अक्टूबर में ये चेंज हुए हैं। ठीक है, दिनेश कुमार खर्रा, ठीक है, रिप्लेसेस रजनीश कुमार, रजनीश कुमार के जगह पे ये बने हैं दिनेश कुमार खर्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 24 में नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इमैनुअल यहाँ पर है आपका और जेनिफर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसे अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, किसे अपॉइंट किया गया है, तो नासिर कमल होगा यहां पर करेक्ट आंसर, नासिर कमल। ठीक है, नासिर कमल इज द राइट आंसर, इन्हीं को अपॉइंटेड किया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is not the winner of the 2020 Nobel Prize in Physiology and Medicine? ठीक है, यहाँ पर क्या है, not the winner, तो यानी कि किनको किनको मिला है वो तो आपको याद होगा ही होगा, तो यहाँ पर हार्वे, चार्ल्स एंड माइकल, इन तीनों को मिला है नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में। यहाँ पर ब्रायन स्टेफसन जो है इनको नहीं मिला है नोबेल प्राइज, यानी कि नोबेल प्राइज मेडिसिन के क्षेत्र में हार्वे को, चार्ल्स को और माइकल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड हैबिटेट डे। वर्ल्ड हैबिटेट डे ये किस दिन को सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड हैबिटेट डे, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, याद करो क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, 4 अक्टूबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 4 अक्टूबर, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब होता है, 4 अक्टूबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अटल टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल एवर 10,000 feet, the tunnel was recently dedicated to the nations by PM Modi in which state? तो ये कहाँ पे टनल है? करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अटल टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर, ये जो है 9.02 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन इज द वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व्ड, तो कब होता है वर्ल्ड एनिमल डे ऑब्जर्व्ड, यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, वर्ल्ड एनिमल डे कब सेलिब्रेट होता है, राइट आंसर यहां क्या होगा, 4 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड एनिमल डे। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन के लिए क्या है, शेख नवाफ अल अहमद हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यानी कि किंग ऑफ विच कंट्री, तो ये किस कंट्री के नवाब बने हैं, किस कंट्री के किंग बने हैं, क्या होगा राइट आंसर। चलिए राइट आंसर क्या होगा, कुवैत, कुवैत यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कॉफी डे, इंटरनेशनल कॉफी डे ये कब सेलिब्रेटेड होता है, हर साल इंटरनेशनल कॉफी डे जो आप लोगों का ठंड के महीनों में फेवरेट होगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल कॉफी डे ये कब होता है, तो 1 अक्टूबर को सेलिब्रेटेड होता है, 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल कॉफी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country was the chair for the 6th BRICS Parliamentary Forum held virtually on 27th October 2022? ये भी questions करवा दिए हैं, 6th BRICS Parliamentary Forum कहाँ होने वाला है, कहाँ पे हुआ था,
तो रशिया में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर रशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द इंडियन डेलीगेशन एट द 2020 ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम। तो भारत की तरफ से इस पार्लियामेंट्री फोरम में कौन कर रहे थे नेतृत्व, क्या होगा राइट आंसर? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? ओम बिरला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। ओके, तो कौन है यहाँ पर, किसे अपॉइंटेड किया गया है न्यू चेयरमैन कहाँ का? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स, इसके कौन बने हैं चेयरमैन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बीमल जुल्का यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, इनको बनाया गया है चेयरमैन ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो ये जो है ऑटोबायोग्राफी किस इकोनॉमिस्ट का है? द पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड, ये किसकी है? तो एन के सिंह हो जाएगा करेक्ट आंसर, एन के सिंह का है ये ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मो विद्युत इज अ ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सर्विस लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है मो विद्युत? ठीक है, ये एक न्यू ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन सर्विसेज है, तो किस स्टेट ने ये लॉन्च किया है? आपको याद रखना होगा ओडिशा होने वाला है करेक्ट आंसर, ओडिशा ने ये लॉन्च किया है मो विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन हु हैज़ बीन नेम्ड फॉर द स्ट्रेट्स टाइम्स एशियन ऑफ द ईयर फॉर 2020। तो उस भारतीय का नाम क्या है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? आदर पूनावाला यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, आदर पूनावाला, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, तो इस बुक के ऑथर कौन है? 40 ईयर्स ऑफ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ए शिवथानु पिल्लई यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज इन 2020। तो फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज में कौन सा कंपनी जो है वो टॉप पोजीशन पे था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच कंपनी हैज टॉप्ड द फॉर्च्यून 500 लिस्ट ऑफ इंडियन कंपनीज इन 2020। राइट आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हेन इज द नेवी डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? नेवी डे ये कब होता है ऑब्जर्व्ड भारत में? ये सब इंपॉर्टेंट डेज है, याद होना ही चाहिए। नेवी डे कब होता है? 4th दिसंबर को होता है नेवी डे। ओके, नेवी डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 4th दिसंबर एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द एनुअल इंटरनेशनल सैंड फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। तो ये जो सैंड आर्ट फेस्टिवल है ये किस स्टेट में ऑर्गेनाइज्ड हुआ था? द एनुअल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, ये हर साल कहाँ पे होता है? ओडिशा में होता है, ओडिशा होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? फादर ऑफ इंडियन नेवी ये किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है? शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी भोसले यहाँ पर आपका होगा करेक्ट आंसर, इन्हीं को जो फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट इज द फोकस स्टेट इन द फर्स्ट एवर वर्चुअल आदि महोत्सव लॉन्च्ड ऑन 1st दिसंबर 2020। तो कौन सा इंडियन स्टेट था जो कि फोकस स्टेट था, किसमें पहली बार हो रहा था ये वर्चुअल आदि महोत्सव? 1st दिसंबर 2020 को हुआ था। तो कौन सा स्टेट फोकस्ड स्टेट था? तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा फोकस्ड स्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन? तो बाटा शू ऑर्गेनाइजेशन के न्यू ग्लोबल सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? संदीप कटारिया यहाँ होगा करेक्ट आंसर। संदीप कटारिया को ही जो है अपॉइंटेड किया गया है न्यू ग्लोबल सीईओ ऑफ बाटा शूज ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। द श्रीयाधर लेक हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये जो लेक है ये किस स्टेट में जो है, किस सिटी में ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, इनॉग्रेटेड हुआ है? करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? ठीक है, तो उत्तराखंड के जो सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने ही इनॉग्रेट किया है, ठीक है, इस लेक को। ओके, जो कि कितना मीटर लंबा है? 550 मीटर लॉन्ग है और 28 मीटर वाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि देहरादून हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया? तो किसे यहां पर एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव इन इंडिया, करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर? ए आर रहमान यहां पर होगा राइट आंसर, इन्हीं को एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये हर साल किस दिन को ऑब्जर्व होता है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे कब ऑब्जर्व होता है? तो 2 दिसंबर होगा करेक्ट आंसर, 2 दिसंबर इज द राइट आंसर, ठीक है, 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द लेटेस्ट US एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो एकदम लेटेस्ट की बात करें हम लोग तो US एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा सिटी जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है वो? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? लाहौर होगा करेक्ट आंसर, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये भी आपको याद रखना है, 2 दिसंबर को ये होता है ऑब्जर्व, इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट नेशन फॉर द SCO समिट 2020? कौन सा कंट्री जो है वो होस्ट नेशन था किसका? तो SCO समिट 2020 का, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? होस्ट नेशन यहां पर कौन सा कंट्री था? तो भारत था, ठीक है, इंडिया जो है यहां पर होगा करेक्ट आंसर, होस्ट नेशन कौन था? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट अ हाई एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज बीन सेट अप एट विच प्लेस? तो लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है एट अ हाई एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज बीन सेट अप एट विच प्लेस? किस जगह पे ये सेटअप किया गया है याद रखना है आपको, कहाँ पे? लेह हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो किसे अपॉइंटेड किया गया है एज द न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को अपॉइंटेड किया गया है न्यू इंजीनियर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिटमैक्स 20 ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड वॉज हेल्ड इन विच रीजन? अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जो सिटमैक्स है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा कंट्री शामिल होता है? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है कि ये कहाँ पे, किस रीजन में हुआ है? तो ये हो जाएगा कहाँ पे? अंडमान सी यहाँ पर राइट आंसर है, अंडमान सी। नेक्स्ट, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द 2020 वर्तियम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड?
तो ये किसे दिया गया है? रमेश पोखरियाल निशांक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फॉर 2021 समिट? ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कंट्री होल्ड कर रहा है प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फॉर 2021 समिट? इटली होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार, इसके विनर का नाम क्या है? नेम द विनर ऑफ द 2020 आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार, ये कौन है, इनका नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, नसरुद्दीन शाह यहां पर करेक्ट आंसर है, नसरुद्दीन शाह, ठीक है, यही विनर हैं आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रैंक बताना है किसमें? तो ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक 2020? तो भारत का रैंक क्या रहा है इसमें तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 77th पोजीशन रहा है इसमें, ठीक है। इंडिया का कितना पोजीशन है? 77th पोजीशन है। टोटल 194 कंट्रीज में जो है भारत का रैंक कितना है? 77th है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 58, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के न्यू चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि बिहार के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार कौन कुमार? तो नीतीश कुमार है बिहार के चीफ मिनिस्टर। और फागू चौहान कौन है? ये हैं यहाँ के गवर्नर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, द एक्सरसाइज मालाबार 2020 इज विच एडिशन ऑफ द एनुअल एक्सरसाइज? तो ये जो एक्सरसाइज है मालाबार, ये कैमा एडिशन है। क्या होगा राइट आंसर यहां पर, करेक्ट आंसर यहां पर क्या होने वाला है, ठीक है, ये होने वाला है यहां पर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा यहां पर, ठीक है। 24th एडिशन था यहां पर, ठीक है, कैमा एडिशन था, 24th एडिशन था इस बार का, ठीक है। कहां पे हुआ था? तो अरेबियन सी हो जाएगा यहां पर राइट आंसर, अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनुअल हॉर्नबिल फेस्टिवल विल बी हेल्ड वर्चुअल मोड इन 2020, द फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट? तो ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज्ड किया है, ये कहां का फेस्टिवल है? स्टैटिक में भी आप लोगों ने किया होगा, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द कहां क्या होगा, नागालैंड यहां होगा राइट आंसर, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द JCB प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर 2020। तो JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 के लिए किसे मिला है ये प्राइज, विजेता का नाम क्या है, विनर का नाम क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, JCB प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर 2020। तो ये इनका डेब्यूट नॉवल था, ठीक है, एस हरीश का, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल योर बेस्ट डे इज टुडे? योर बेस्ट डे इज टुडे के ऑथर का नाम क्या है? योर बेस्ट डे इज टुडे के ऑथर का नाम क्या है? अनुपम खेर, ये एक्टर हैं, अच्छे से आप जानते होंगे इनका नाम, अनुपम खेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तेजपुर लीची को जो है रिसेंटली ही GI टैग मिला है, ये किस स्टेट का है? तेजपुर लीची विच हैज रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो किस स्टेट से ये बिलोंग करता है तेजपुर लीची, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, असम होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, सबका आंसर असम आना चाहिए, वेरी गुड। नेहा रावत, SSC डेस्टिनी, संदीप पाल, अभिनव पाल, प्रताप रंजन, वेरी गुड, विदुषी, खुशी,
भास्कर, प्रियंका, राखी, अंकुश, रोहित सबका करेक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। असम विल बी योर राइट आंसर। तेजपुर लीची कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर हैज़ रीनेम्ड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, व्हाट इज द न्यू नेम? तो सेंटर ने रीनेम्ड किया है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का। अब जो है नया नाम क्या है? नया नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ऑप्शन नंबर ए। ये तो मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65, विच कॉमिक कैरेक्टर हैज़ बीन चूजन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम? ओके, नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाचा चौधरी यहां होगा करेक्ट आंसर, चाचा चौधरी। नेक्स्ट, व्हेन इज द नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ये कब ऑब्जर्व होता है? कब ऑब्जर्व होता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे? क्या होगा राइट आंसर? 7 नवंबर को मनाया जाता है क्या? नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, 7 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द टाइम्स मैगजीन। ठीक है, तो विजेता का नाम बताना है। किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द टाइम्स मैगजीन के द्वारा ये दिया गया है, इनका नाम क्या है? गीतांजलि राव नाम है, ठीक है। नेम द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन ऑफ किड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द टाइम्स मैगजीन, गीतांजलि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉयल डे, व्हेन इज द वर्ल्ड सॉयल डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड सॉयल डे कब ऑब्जर्व होता है? क्या होगा राइट आंसर? वर्ल्ड सॉयल डे कब होता है? 5 दिसंबर को होता है वर्ल्ड सॉयल डे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, हु इज द विनर ऑफ द 2020 ग्लोबल टीचर प्राइज? तो 2020 का ग्लोबल टीचर प्राइज के विजेता का नाम क्या है? क्या नाम हो जाएगा? ग्लोबल टीचर प्राइज किसे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रंजीत सिंह दिसल को दिया गया है ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, द इंडियन नेवी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड पैसेज एक्सरसाइज, ओके, पैसेज एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ इंडियन नेवी ने हाल में ही ऑर्गेनाइज्ड किया है पैसेज एक्सरसाइज? कहाँ पे? तो इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में। तो क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? रशिया के साथ हुआ है ये, ठीक है। पैसेज एक्सरसाइज इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच में हुआ है, ठीक है, ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंट पॉलिसी रेपो रेट? रेपो रेट का यहाँ पर पूछा गया है, करेंट रेपो रेट अभी क्या चल रहा है, ठीक है, रेपो रेट का भी क्या हाल है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये एकदम एग्ज़ाम से ये, हाँ एग्ज़ाम तो अब नज़दीकी है, तो एकदम ध्यान में रखना है कि रेपो रेट जो है वो 4% है। रेपो रेट कितना है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट कितना है? रिवर्स रेपो रेट ये है कितना? 3.35% है रिवर्स रेपो रेट। तो ध्यान रहेगा, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द नेशंस वाइड फिट इंडिया मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर कौन बने हैं? फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर कौन बने हैं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द नेशंस वाइड फिट इंडिया मूवमेंट? ऑप्शन नंबर डी होगा, कुलदीप हांडो यहां पर होगा करेक्ट आंसर, इन्हीं को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉयल डे 2020?
2020 का वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या था, है ना? क्या हो जाएगा राइट आंसर? वर्ल्ड सॉइल डे का थीम क्या था 2020 के लिए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर ए, कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडायवर्सिटी। ओके, ये था थीम किसका? वर्ल्ड सॉइल डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 74 में? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? क्या हो जाएगा भारत का रैंक? 8th रैंक है इंडिया का। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में छपा कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक आपको बताने पूछ दिया, तो आपको बोलना होगा 8th रैंक है किसका? इंडिया का है। ओके, और अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान वॉज द मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म फॉलोड बाय इराक, है ना? सबसे घटिया स्थिति किसका है? अफगानिस्तान का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 75 में? कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO? तो BRO के न्यू डायरेक्टर जनरल किसको बनाया गया है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? राजीव चौधरी यहां होगा करेक्ट आंसर। राजीव चौधरी को बनाया गया है, ठीक है? राजीव चौधरी को क्या बनाया गया है? न्यू डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, व्हेन इज द वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? एकदम याद होगा आपको, 1 दिसंबर होगा करेक्ट आंसर। 1 दिसंबर को क्या होता है? वर्ल्ड एड्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेयर हु हैज वन द 2020 बहरेन ग्रैंड प्रिक्स। तो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। ये ब्रिटिश ड्राइवर है, मर्सिडीज चलाते हैं, ठीक है? लुइस हैमिल्टन 2020 का बहरेन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा? ठीक है, तो न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा ये किसे अपॉइंट किया गया है? इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा इनका नाम क्या है? उत्पल कुमार सिंह यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा जो स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने ही अपॉइंट किया है। ये IAS रिटायर्ड हैं, उत्तराखंड बैच के, 1986 बैच के, इन्हीं को अपॉइंटेड किया गया है सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2020? 2020 का वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या था? ध्यान रखना है सबको, एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक, रीसाइलेंस एंड इम्पैक्ट जो है, ये है इसका थीम एड्स डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो अभी करेंट की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन है बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? राकेश अस्थाना यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए, राकेश अस्थाना जो है ये हैं डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के कौन हैं? ठीक है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है? क्या किसी को कुछ कहना है कि ये टेस्ट कंटिन्यू रखें हम लोग? मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा, बोर हो रहे हो क्या तुम लोग? बोर जो हो रहा है ना, निकल के चलो यहाँ से, चले जाओ, इतना इंपॉर्टेंट सेशन करवा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वर्ल्ड विच हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2020 बाई द कैनब्रिज डिक्शनरी।
तो उस वर्ड का नाम क्या है जिसको सिलेक्टेड किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसके द्वारा? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। वो वर्ड क्या था? उसका नाम है क्वारंटीन। ओके, क्वारंटीन जो है यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्वारंटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया ऑब्जर्व? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे ये कब होता है? संविधान दिवस, एकदम याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डे कब ऑब्जर्व होता है? 26 नवंबर को होता है कॉन्स्टिट्यूशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड? ग्रेग बार्कले यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये तो एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द फगवाड़ा मेगा फूड पार्क हैज़ बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाई नरेंद्र सिंह तोमर इन विच स्टेट? तो ये जो है मेगा फूड पार्क जो कि इनॉग्रेटेड किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किस स्टेट में? तो क्या होगा? पंजाब हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, पंजाब में ही किया गया है ये इसका इनॉग्रेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंजाब के गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बंदौर, और अमरिंदर सिंह कौन है? चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ इंडियाज वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, ये किसे कहा जाता है? हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ इंडियाज वाइट रिवॉल्यूशन? क्या हो जाएगा? वर्गीस कुरीन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 ग्रुप टू होस्ट द G20 समिट इन विच ईयर? तो भारत जो है G20 ये कब जो है होस्ट करने जा रहा है, किस ईयर में? तो ध्यान रखना है आपको, 2023 में होगा इसका राइट आंसर, 2023। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, इंडिया एंड सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 20 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस? अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिम्बेक्स जो है ये किन दो कंट्रीज के बीच में होता है, तो एस स्टैंड्स फॉर सिंगापुर एंड आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। तो भारत और सिंगापुर के बीच में जो है सिम्बेक्स होता है, और ये कहाँ पे हुआ था? तो अंडमान सी में हुआ था। ठीक है, अंडमान सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण गोगोई, ठीक है, जिनका हाल में ही निधन हो गया, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के? तरुण गोगोई जो है ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे किस स्टेट के? राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका? असम हो जाएगा करेक्ट आंसर, असम, असम के ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेयर हु बीट डोमिनिक थीम टू विन 2020 ATP टूर फाइनल्स? तो किस खिलाड़ी ने हरा दिया है डोमिनिक थीम को और 2020 का ATP टूर फाइनल्स जीत लिया है, उस प्लेयर का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, डैनियल मेदवेदेव जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के विजेता का नाम क्या है? नेम द विनर ऑफ 2020 बुकर्स प्राइज फॉर फिक्शन? तो किसने जीत लिया है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में आ सकता है। डॉगलस स्टुअर्ट जो है यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर, 2020 का बुकर प्राइज फॉर फिक्शन डॉगलस स्टुअर्ट ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र के स्वर इज अ कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड स्पीचेस ऑफ डैश? तो लोकतंत्र के स्वर जो है ये किसके कलेक्शन से बनकर ये तैयार हुआ है स्पीचेस के? तो ये भारत के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, इनके स्पीचेस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे, तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे? देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन डे नहीं है, चिल्ड्रेन डे 14 नवंबर को होगा, लेकिन यहाँ क्या है, वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 नवंबर। ठीक है, 20 नवंबर को होता है वर्ल्ड चिल्ड्रेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड टॉयलेट डे है ना, इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये कब ऑब्जर्व होता है? हर साल वर्ल्ड टॉयलेट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट?
किस डे को ऑब्जर्व होता है, तो ध्यान रखना है 19 नवंबर को ऑब्जर्व होता है वर्ल्ड टॉयलेट डे। टॉयलेट का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 20 होता है। तो बस इसमें एक कम करके 19 नवंबर आपको कर देना है, ठीक है, 19 नवंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुला सिन्हा का हाल में ही निधन हो गया है, वो फॉर्मर गवर्नर थी किस स्टेट का। मृदुला सिन्हा ये फॉर्मर गवर्नर थी किस स्टेट का, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, मृदुला सिन्हा गोवा की ये फॉर्मर जो हैं गवर्नर थी, ठीक है। गोवा, मृदुला सिन्हा जो हैं, मृदुला सिन्हा वॉज एन इंडियन राइटर एंड पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ गोवा फ्रॉम अगस्त 2014 से 19 तक ये गोवा की गवर्नर रही थी, ओके। और बीजेपी महिला मोर्चा की ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 96, थीम क्या था वर्ल्ड टॉयलेट डे का, थीम क्या था वर्ल्ड टॉयलेट डे का, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्ल्ड टॉयलेट डे अभी आपको याद करवाए थे 19 नवंबर, इसका थीम क्या था, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज ये इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी, तो भारत का पहला सैंडलवुड म्यूजियम ये किस सिटी में हुआ है, ठीक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियाज फर्स्ट सैंडलवुड म्यूजियम हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी, आपको एकदम इसका जवाब देना है मैसूर, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंग सान सुई की ये जो है रिसेंटली जीत ली हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन 2020 का, किस कंट्री का, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ की हैं ये, आंग सान सू की ये कहाँ की हैं, म्यांमार हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डायबिटीज डे ये कब होता है ऑब्जर्व, वर्ल्ड डायबिटीज डे ये कब होता है, तो ध्यान रखना है चिल्ड्रेन डे कब होता है, 14 नवंबर को, और डायबिटीज़ भी है, चिल्ड्रेन लोग जो है बहुत ज़्यादा टॉफ़ी खाता है, बहुत ज़्यादा मिठाई खाता है ना, तो मिठाई खा के कहीं डायबिटीज़ ना हो जाए, तो आपको आप भूल नहीं पाएंगे आप इसको। डायबिटीज़ कब होता है, 14 नवंबर को, क्योंकि 14 नवंबर को बच्चे लोगों को टॉफ़ी बहुत दिया जाता है, चिल्ड्रेन डे होता है इसीलिए बहुत सारे टॉफ़ीज़ दे दिए जाते हैं, तो वर्ल्ड डायबिटीज़ डे क्या होगा, 14 नवंबर। अब इसको ऐसा हम कोरिलेट कर दिए हैं कि आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नो मसीहा इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच एक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आई एम नो मसीहा का, तो सोनू सूद यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, सोनू सूद आई एम नो मसीहा, क्योंकि सोनू सूद को लोग मसीहा समझने लगे हैं इसीलिए इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आ गई है आई एम नो मसीहा सोनू सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग 2020, तो किस टीम ने जीत लिया है इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का, करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, किस टीम ने जीत लिया है इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का, तो मुंबई इंडियंस होगा करेक्ट आंसर, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ 2020 ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टेबल टेनिस टाइटल, 2020 का ITTF वुमेन्स वर्ल्ड कप टेबल टेनिस टाइटल किसने जीत लिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चेन मेंग यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने ही जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द विनर ऑफ टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020, इसके विजेता का नाम क्या होगा, ठीक है, हु इज द विनर ऑफ टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर 2020, रस्किन बॉन्ड, यस फेमस ये हैं राइटर, रस्किन बॉन्ड यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड ने ही जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 104,
विच स्टेट हैज़ बैग्ड द बेस्ट स्टेट प्राइज इन द नेशनल वाटर अवार्ड फॉर 2019? ठीक है, चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा स्टेट जो है यहाँ पर जीता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट, द पर्पल कैप हैज़ बीन वॉन बाय विच प्लेयर इन आईपीएल 2020? तो पर्पल कैप किस प्लेयर ने जीता है, 2020 का जो आईपीएल हुआ है, पर्पल कैप, ये रबाडा ने जीता है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, पर्पल कैप इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किस प्लेयर ने जीता है? ठीक है, पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप, ये दोनों कैप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है। ठीक है, राहुल, यहाँ केएल राहुल जो है यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, केएल राहुल जो है सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीत लिया है। ठीक है, और रबाडा जो था वो बॉलिंग में जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 107, द पाके टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? तो ये जो पाके टाइगर रिजर्व है ये भारत के किस स्टेट में है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द पाके टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, एंड द राइट आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है ये, अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, ईटा नगर में इसका कैपिटल है, और पेमा खांडू यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फेज ऑफ मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2020 इज बिंग हेल्ड इन विच प्लेस? ठीक है, जो पहला फेज था मालाबार नवल एक्सरसाइज था 2020 का, ये किस जगह पे हुआ है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो एक्सरसाइज है मालाबार, ये एक्चुअली ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें यूएस, जापान और इंडिया, ये तीनों इसमें हिस्सा लेते हैं। ओके, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बे ऑफ बंगाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। बे ऑफ बंगाल में जो है फर्स्ट फेज हुआ है 2020 का मालाबार नेवल एक्सरसाइज, और कौन कौन सा कंट्री इसमें हिस्सा लेते हैं, तो इंडिया, जापान एंड यूएस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शेन वॉटसन, इनका नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, शेन वॉटसन, इन्होंने अनाउंस्ड किया है अपने रिटायरमेंट का सभी तरह के खेल से, ये किस कंट्री के ऑलराउंडर हैं, शेन वॉटसन, वेरी वेरी सिंपल, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर हैं शेन वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट? मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के कौन बने हैं चेयरपर्सन, इनका नाम क्या है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट? संजय भाटिया यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, संजय भाटिया जो है ये बने हैं, ठीक है, न्यू चेयरमैन ऑफ, चेयरपर्सन ऑफ मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेयर हु हैज टॉप्ड द लेटेस्ट ICC मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग फॉर बैट्समैन? तो कौन सा प्लेयर जो है ये टॉप पोजीशन पे था, केन विलियमसन जो है यहाँ पर होगा राइट आंसर, केन विलियमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2021? ठीक है, थीम क्या था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का, थीम क्या था, तो ध्यान रखना है आपको, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये था थीम वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन द प्रेस्टिजियस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर्स पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2021? चलिए, तो किसने जीत लिया है ये प्रेस्टिजियस अवार्ड, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड फॉर 2021? क्या बातचीत चल रहा है यहाँ पर,
चलिए यहाँ पर आंसर सबका करेक्ट आ रहा है, रंजीत बोल रहे हैं रॉबर्ट इरविन यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर, इन्होंने ही जीत लिया है, रॉबर्ट इरविन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड यूनानी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे, तो वर्ल्ड यूनानी डे ये कब होता है हर साल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वर्ल्ड यूनानी डे ये कब होता है ऑब्जर्व, सबको ध्यान रखना है, 11th February, करेक्ट आंसर क्या होगा, 11th February यहाँ पर होगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर ऑफ द बुक प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड, इसके ऑथर कौन है, प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ बेस्ट पैंडमिक वर्ल्ड के ऑथर का नाम क्या है, इनका नाम है संगीत पॉल चौधरी, है ना, संगीत पॉल चौधरी इनके ऑथर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द इंडियाज यूएस बायलेटरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास, ये एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, वेन्यू क्या था इंडिया और यूएस के बीच में जो बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है उसका नाम है युद्ध अभ्यास, ये कहाँ पे हुआ है, किस जगह पे, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये हुआ है राजस्थान में, है ना, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द क्रिकेट प्लेयर हु हैज वॉन द इनॉग्रल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जनवरी 2021। चलिए यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है, जनवरी में जो है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ये किसे दिया गया है, रोहित शर्मा नहीं, ऋषभ पंत हो जाएगा करेक्ट आंसर, PDF मिल जाएगा, टेंशन मत लियो, ठीक है, PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेयर हैज बीन अवार्डेड विथ द एलन बॉर्डर मेडल 2020-21 बाय द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, ठीक है, ये किसे दिया गया है, स्टीव स्मिथ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, चलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, चलिए किसको दिया गया अप्रूव, तो डेनमार्क हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटिफुल थिंग्स इसके ऑथर कौन है, चलिए इसके ऑथर का नाम क्या है, हंटर बाइडन, है ना, हंटर बाइडन जो है इसके ऑथर का नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स का, जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के CEO थे उन्होंने जो है स्टेप डाउन कर लिया है, अब उनकी जगह पे न्यू CEO कौन बनने वाले हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन करवा दिया गया, एंडी जैसी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, यही जो है CEO बने हैं अमेजोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज बीन सिलेक्टेड एज द ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020, किस वर्ड को चुना गया है, किस वर्ड को सिलेक्टेड किया गया है एज द ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत यहां पे होगा करेक्ट आंसर। द फर्स्ट एवर एम्प्यूटी क्लिनिक ऑफ इंडिया हैज बीन सेटअप इन विच कंट्री, ठीक है, तो कहाँ पे ये क्लिनिक को सेटअप किया गया है और ये कैसा है, एम्प्यूटी क्लिनिक है, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, चंडीगढ़ हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था, वॉट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2021, इसका थीम क्या था, वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था, आई एम एंड आई विल, ये था थीम इसका, वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या था, आई एम एंड आई विल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, है ना, इसमें कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पोजीशन पे है, Which state has topped?
द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है ये टॉप पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन द सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21? तो किस टीम ने जीत लिया है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का? राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने जीत लिया है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक? तो ये कौन बने हैं फर्स्ट एवर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ फेसबुक? किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है हेनरी मोनिज को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड इज प्लान्ड टू सेटअप इन विच स्टेट? सर idioms फ्रेज का PDF अभी तक नहीं मिला। अरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है idioms एंड फ्रेजेस का, टेलीग्राम पे अभी दे देंगे हम 12 बजे रात तक जो है इसका भी PDF अपलोड कर देंगे करंट अफेयर्स का, और हम idioms का भी कर देंगे, और कल आपका साइनो एंटो का, कल तो बहुत ज़बरदस्त सेशन होगा, साइनो एंटोनिम्स का भी होने वाला है कल, और कल जो है 2020 का जो CHSL हुआ था अप्रैल के महीना में जो 4-5 दिन, उसका सभी का GK का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट रिवीजन होगा, और वो कैब का पूरा क्वेश्चन मेरे हाथ लग चुका है, वो कल आपका रिवीजन करवाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए, तो ये जो थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड है ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? ओडिशा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? सौरभ चौधरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? शूटिंग यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। शूटिंग से संबंधित हैं कौन? तो सौरभ चौधरी जो हैं किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पद्म अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड फॉर 2021? कितने अवार्ड दिए गए हैं, कितने अवार्ड मिले हैं? हाँ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 119, वेरी गुड, 119 है यहाँ पर करेक्ट आंसर, वाह क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड्स एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, विश्वजीत जो है चैटर्जी होगा करेक्ट आंसर, विश्वजीत चैटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, JK शिवम हैज बीन नेम्ड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक? ठीक है, तो किस बैंक का बनाया गया है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धन लक्ष्मी बैंक, है ना, धन लक्ष्मी बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 51st IFFI हेल्ड इन गोवा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये किसे दिया गया है? विटोरियो स्टोरारो को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 2021 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स? ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 2021 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बल पुरस्कार हैज़ बीन कन्फर्ड अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट्स? टोटल 32 स्टूडेंट्स को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर्स डे ये कब होता है? इंडिया जो है कब ऑब्जर्व करता है नेशनल वोटर्स डे एनुअली? हर साल कब होता है? याद रखना है,
25 जनवरी होगा राइट आंसर, नेशनल वोटर्स डे। रिपब्लिक डे में अगर आपको परेड देखना है, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को होता है, और रिपब्लिक डे का परेड देखना है तो वोटिंग सिस्टम से जाना पड़ेगा, और वोटिंग सिस्टम कब होगा, 25 जनवरी को, एक दिन पहले। तो वोट करके कहाँ जाना है, परेड देखने। तो याद रहेगा अब आपको नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द उद्यम सारथी ऐप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डाटा फॉर यूथ। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है उद्यम सारथी ऐप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डाटा फॉर यूथ। ये है, ये काम करने का किसने, ये काम किसने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, नेशनल टूरिज्म डे इन इंडिया एवरी ईयर कब होता है। विच डे इज मार्क्ड एज द नेशनल टूरिज्म डे इन इंडिया एवरी ईयर। ध्यान रखना है इसको, 25 जनवरी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी 25 जनवरी है आपका, 25 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज वॉन द 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी ऑर्गेनाइज्ड बाय आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो किस टीम ने जीत लिया है 2021 का नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इंडो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस ने जीत लिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। विच टीम हैज वॉन द 2021 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी, किसने जीता है, तो इंडो तिबेतियन बॉर्डर पुलिस ने जीता है, ITBP ने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल वोटर्स डे 2021। 2021 का नेशनल वोटर्स डे का थीम क्या था, यही नेशनल वोटर्स डे कब होता है, 25 जनवरी को, है ना, और इसका थीम क्या था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ये था थीम, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, जो है ये थीम है नेशनल वोटर्स डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन रेलवे हैज रीनेम्ड द हावड़ा कालका मेल एज। तो इंडियन रेलवे ने रीनेम्ड कर दिया है हावड़ा कालका मेल को किस नाम से, नेताजी एक्सप्रेस नाम से, ठीक है, नेताजी एक्सप्रेस हो जाएगा करेक्ट आंसर, नेताजी एक्सप्रेस। नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स हैज ऑर्गेनाइज्ड द एक्स डेजर्ट नाइट 21 विद द नेवीज ऑफ विच कंट्री। तो इंडियन एयरफोर्स और किस कंट्री के बीच में यह होता है एक्स डेजर्ट नाइट 21, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस के साथ होता है, ठीक है, फ्रांस यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोए बाइडन ये जो बने हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, कैमे नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं जोए बाइडन, क्या हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या होने वाला है यहां पर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 46th यहां पे होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 46th। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ मोहंती हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी। तो सिद्धार्थ मोहंती जो हैं ये इलेक्टेड हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर किस कंपनी के, राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा, चलिए यहाँ राइट आंसर LIC हो जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये कब फाउंडेड हुआ था, 1 सितंबर 1956 को, हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बायलेटरल एक्सरसाइज एक्स डिजर्ट नाइट 21 इज बिंग हेल्ड इन विच स्टेट। किस स्टेट में ये बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ है, ये एक्स डिजर्ट जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है ना, ये कहाँ पे हुआ है, तो
तो राजस्थान यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द जू, ठीक है, उस जू का नाम बताना है जिसका नया नाम अब क्या है, बाला साहब ठाकरे। नेम द जू विच हैज़ बीन रिसेंटली बीन रीनेम्ड बाई द महाराष्ट्र गवर्नमेंट आफ्टर बाला साहेब ठाकरे। राइट आंसर क्या होगा, गोरेवाडा इंटरनेशनल जू, ठीक है, गोरेवाडा इंटरनेशनल जू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द श्री सोमनाथ ट्रस्ट विच मैनेजेस द हिस्टोरिक सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। ठीक है, तो कौन किसको अपॉइंटेड किया गया है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द श्री सोमनाथ ट्रस्ट विच मैनेजेस द हिस्टोरिक सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात। नरेंद्र मोदी यहां पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 147, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड द मंथ लॉन्ग मार्च अवेयरनेस कंपेनिंग टाइटल सक्षम। तो किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज्ड किया है ये, चलिए करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 148, इंडियन आर्मी डे ये कब ऑब्जर्व होता है, व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व होता है, 15th January हो जाएगा इंडियन आर्मी डे का, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदियर जापरोव हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये किस कंट्री के इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट के रूप में, है ना, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, किर्गिस्तान यहां पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 150, इन 2021 द इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ द आर्मी डे ऑफ इंडिया, है ना, कैमा एडिशन था, करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आपका, कैमा था आपका। इन 2021 द इंडियन आर्मी इज ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ द आर्मी डे ऑफ इंडिया, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, 73rd यहां पे होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, 73वां यहां पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ टेस्ला, टेस्ला का हेड क्वार्टर कहां है, है ना, इलॉन मस्क की कंपनी है, इसका हेड क्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021, तो इसमें जो है भारत का रैंक कितना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, तो 85 रैंक है किसका, भारत का 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसके ऑथर का नाम क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, एस वाई कुरैशी यहां पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंट्री जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पे है, जिसमें भारत का रैंक कितना है, 85th है, और टॉप पोजिशन पे कौन सा कंट्री है, किसका पासपोर्ट जो है वो सबसे बेस्ट है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यूबल है, जापान यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, जापान है फर्स्ट नंबर पे, ओके, सेकंड नंबर पे सिंगापुर, ओके, जापान के पासपोर्ट से आप 193 कंट्रीज में घूम सकते हैं, है ना, सिंगापुर का 192, जर्मनी का है 191, इतने कंट्री में, जर्मनी थर्ड पोजिशन पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर 155, वर्ल्ड हिंदी डे ये कब ऑब्जर्व होता है, वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व ग्लोबली, क्या हो जाएगा राइट आंसर, वर्ल्ड हिंदी डे कब होता है,
राइट आंसर होगा 10th January। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट्स द प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि NRI डे, या आप बोले तो प्रवासी भारतीय दिवस, ये कब होता है? ये होता है 9th January को, ठीक है, 9th January। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीज़न, तो किसे अपॉइंटेड किया गया है चीफ ऑफ गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक डिवीज़न? तो करण बाजवा यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, इन्हीं को अपॉइंटेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस हिमा कोहली है ना, इनको अपॉइंटेड किया गया है, ठीक है, और ये जो है फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना, ठीक है, ये फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस हैं किस हाई कोर्ट का? तेलंगाना का, हिमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अंडर आवर नोज, इसके ऑथर का नाम क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल्स राइट अंडर आवर नोज, इसके ऑथर का नाम क्या है? तो आर गिरिधरन जो है इसके ऑथर का नाम है ना, राइट अंडर आवर नोज। नेक्स्ट, क्लैरी पोलसक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन अम्पायर टू ऑफिशिएट मेन्स टेस्ट मैच, सी इज फ्रॉम विच कंट्री, तो ये किस कंट्री से आती हैं? ये जो हैं फर्स्ट वुमेन अम्पायर हैं, फर्स्ट वुमेन अम्पायर ये किस कंट्री से आती हैं? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी हेल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। राघवेंद्र सिंह चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, तो ये किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, है ना? राघवेंद्र सिंह चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, उत्तराखंड होगा करेक्ट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे, ये हर साल कब होता है? नेशनल यूथ डे, युवा दिवस, वेरी, आप भी तो युवा हैं, याद रहना चाहिए, क्या होगा? 12 जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज द फोकस कंट्री ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, तो फोकस कंट्री कौन था इस बार 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फोकस कंट्री कौन था? तो बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है फोकस कंट्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द कॉफी टेबल बुक ऑन पीएम मोदी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ 2021 प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has been chosen as the official representative of BCCI for the ICC board meeting? किसे चुना गया है official representative of BCCI for the ICC board meeting के लिए? जय शाह यहाँ पर होगा right answer, जय शाह को चुना गया है। Next question, the inaugural 2 days प्रारंभ startup India International Summit has been organized in which city? किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है? 2 दिन का ये इनॉग्रल था प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, न्यू दिल्ली यहां पर करेक्ट आंसर है, ठीक है, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्लेयर टू क्लिंच वोमेन सिंगल टाइटल एट द योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021, ठीक है, तो इस प्लेयर का नाम क्या है? कैरोलिना मारिन यहां पर होगा राइट आंसर, ठीक है, कैरोलिना मारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया जंस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस, किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज्ड किया गया है ये? तो लद्दाख होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ द योनेक्स थाईलैंड ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 मेन सिंगल टाइटल, तो मेन सिंगल टाइटल किसने जीत लिया है योनेक्स थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में? मेन सिंगल टाइटल
तो विक्टर ने जीत लिया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज होता है? तो नीति आयोग के द्वारा होता है। रिसेंटली इन मेजर स्टेट्स कैटेगरी, तो कौन सा स्टेट जो है वो टॉप में है, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? कर्नाटक यहां पर होगा करेक्ट आंसर, कर्नाटक। नेक्स्ट, विच स्टेट, ये तो कर ही दिए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज इमर्ज्ड ऑन द टॉप इन द नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? तो यहां पर क्या होगा, दिल्ली करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इसके ऑथर का नाम क्या है? मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इसके ऑथर का नाम क्या है? वमन सुबा प्रभु यहां पर होगा करेक्ट आंसर, ये हैं ऑथर इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट विच हैज टॉप द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट कैटेगरी, तो इस कैटेगरी में कौन सा स्टेट जो है वो टॉप पोजिशन पे है? वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज, ठीक है, वायु ब्रिज हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट, तो ये किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? इंडिया का ये लॉन्गेस्ट आर्क ब्रिज है, ठीक है, मेघालय यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कितना है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? भारत का रैंक कितना है? तो 7th है, जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, तो भारत जो है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में कितना नंबर पे है? 7th पोजीशन पे है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? मोजाम्बिक है, ठीक है, सेकंड पे जिम्बाब्वे, 7th पे है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेम द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव 2 एक्सप्रेस वेज एयर स्ट्रिप्स, ठीक है, तो ये कौन सा पहला स्टेट है, फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव 2 एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप? ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इज ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ द रिपब्लिक डे, ठीक है, तो कैमा एडिशन था इस बार का रिपब्लिक डे का, ये था कब, कितना मैं एडिशन था, करेक्ट आंसर यहां पर आपका क्या होने वाला है, 72 यहां पर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इंडिया जो है कैमा ऑब्जर्व किया है, 72nd एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कस्टम डे ये कब होता है? द इंटरनेशनल कस्टम डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? इंटरनेशनल कस्टम डे, करेक्ट आंसर क्या होगा, 26th जनवरी होगा इंटरनेशनल कस्टम डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसका नाम है पंक अभियान फॉर गर्ल्स एम्पावरमेंट, ठीक है, गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए जो है एक पंक अभियान स्कीम लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान जो हैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राई सर्विस ज्वाइंट एम्फीवियस एक्सरसाइज एम्फेक्स 21 वॉज हेल्ड इन विच प्लेस, किस प्लेस पे ये एक्सरसाइज हुआ है? चलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, किस प्लेस पे ये एक्सरसाइज एम्फेक्स एक्सरसाइज हेल्ड हुआ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, ठीक है, द तवेल्यू ऑफ विच स्टेट हैज वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड 2021, ठीक है, तो यहां पर किसका झांकी जीता है, फर्स्ट पोजीशन पे है, राइट आंसर क्या होगा, उत्तर प्रदेश,
ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सॉरी व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो भारत का रैंक कितना था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में, भारत का रैंक कितना है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में, भारत का रैंक कितना है? राइट आंसर क्या होगा? 86 जो है इंडिया का रैंक है, इंडिया का रैंक कितना है? 86। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84, काजा कालस ठीक है हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, फर्स्ट एवर फीमेल प्राइम मिनिस्टर ये किस कंट्री से हैं? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ठीक है, एस्टोनिया यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टॉप मोस्ट इंडियन आईटी सर्विस ब्रांड एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ द ब्रांड फाइनेंस। ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉप मोस्ट इंडियन आईटी सर्विस ब्रांड एज पर द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ द ब्रांड फाइनेंस, इसके द्वारा TCS यहां पर होगा राइट आंसर, TCS टॉप पोजीशन पे है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड बाय लोई इंस्टीट्यूट रिसेंटली। तो भारत का कैमा रैंक है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में, भारत का रैंक कितना है? 86th है। ठीक है, 86th रैंक है भारत का। नेक्स्ट, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? ठीक है, इंडिया का रैंक कितना है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में, भारत का रैंक कितना है? 10th है, 10वां रैंक है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग, इंडियाज फर्स्ट जेंडर पार्क हैज बीन सेट अप इन विच सिटी। तो इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क किस सिटी में हेल्ड हुआ सेटअप हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कोझीकोड यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मर्व हुगेस अ फॉर्मर पेस बॉलर हैज बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द क्रिकेट हॉल ऑफ फेम बाय विच कंट्री। यहां पर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 190, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इस बुक के ऑथर का नाम बताना है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, इसके ऑथर का नाम है दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स। भारत का कितनामा रैंक है 2020 का अगर हम बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स में? 53rd पोजीशन है, 53rd पोजीशन है डेमोक्रेसी इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन स्वर्न इन एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन बने हैं? क्या होगा राइट आंसर? SN सुब्रमण्यम यहां पर होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया। किसे अपॉइंटेड किया गया है प्रेसिडेंट के रूप में ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन इंडिया, इनका नाम क्या है? अजय सिंह, अजय सिंह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यूली अपॉइंटेड इंटरिम डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चलिए 194 का क्या हो जाएगा? प्रवीण सिन्हा होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रवीण सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंट्री टॉप पोजीशन पे है अगर हम बात करें डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की, कौन सा कंट्री टॉप पोजीशन पे है? वो है नॉर्वे, नॉर्वे जो है वो टॉप पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फैटर्निटी। थीम क्या था, थीम क्या था यहां पर? थीम था अ पाथवे टू द फ्यूचर, अ पाथवे टू द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एवर फीमेल
फर्स्ट एवर फीमेल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड हुई हैं एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है, एकदम स्टार मार्क क्वेश्चन है। ये क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, किसे जो है यहाँ पर अपॉइंटेड किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, WTO का जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1995 में ये फाउंडेड हुआ था 1 जनवरी। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज सेटअप टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट। ओके चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा कंट्री ये बनाने जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट विंड पावर प्लांट, ऑप्शन नंबर डी यानी कि साउथ कोरिया हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स हैव कंप्लीटेड द रिफॉर्म इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एज स्टिपुलेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो टोटल कितने स्टेट्स हैं, 12 हो जाएगा करेक्ट आंसर, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्लाउड इंडिया बिजनेस के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। इनका नाम है बिक्रम सिंह बेदी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इन विच सिटी, किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया है ये नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर, ये किया गया है बेंगलुरु में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड पर्ल्स डे का थीम क्या था। ठीक है, वर्ल्ड पर्ल्स डे 2021 का थीम क्या था, तो क्या था, न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये था थीम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलदीप सिंह हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच बॉडी। तो ये कुलदीप सिंह जिनको रिसेंटली अपॉइंटेड किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच बॉडी, तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो जाएगा करेक्ट आंसर, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, तो ये कौन अपॉइंटेड हुए हैं, MA गणपति यहां पर होगा करेक्ट आंसर, इनको अपॉइंट किया गया है MA गणपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंज्यूमर राइट डे कब होता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब होता है यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 मार्च हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हैज़ वॉन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड 2021। ठीक है, तो कौन सा एल्बम जीत लिया है, एल्बम ऑफ द ईयर कौन सा है, फोल्क्लोर यहां पर होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2021। ठीक है, तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे का थीम क्या था, इसका थीम था टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये था थीम, कंज्यूमर राइट्स डे का थीम क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया। तो कौन सा कंट्री जो है ये लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर है भारत के लिए, तो क्या हो जाएगा, इराक होगा करेक्ट आंसर, इराक सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल सप्लाई करता है भारत को। नेक्स्ट, द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लीक हैज़ किक्ड ऑफ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच कंट्री, किस कंट्री के बीच में ये होता है, तो एक तो भारत है ही, दूसरा कौन हो जाएगा, उज्बेकिस्तान होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Which Indian celebrity has been listed in the 2021 Young Global Leader Forum by World Economic Forum? है ना, तो किस इंडियन सेलिब्रिटी को लिस्ट किया गया है ना, राइट आंसर क्या होगा, दीपिका पादुकोण करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्टैटिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, किसे अपॉइंटेड किया गया है न्यू चीफ ऑफ स्टैटिशियन ऑफ इंडिया,
इनका नाम क्या है? जीपी सामंता यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया टू रिप्लेस द इनकमबेंट अजय भूषण पांडे? तो किसे अपॉइंटेड किया गया है रेवेन्यू सेक्रेटरी? राइट आंसर क्या होगा? तरुण बजाज। तरुण बजाज विल बी योर आंसर। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का थीम क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2021 का थीम क्या था? तो याद रखेंगे आप लोग, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, ये था थीम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल साइंस डे ये कब होता है ऑब्जर्व? इन इंडिया द नेशनल साइंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डेट? 28th February हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुजराओ डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड एनुअली इन विच स्टेट? तो ये जो खुजराओ डांस फेस्टिवल है ये किस स्टेट में होता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल एक्साइज डे ये कब होता है? सेंट्रल एक्साइज डे, राइट आंसर क्या होगा सेंट्रल एक्साइज डे का? 24th February होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 विल बी होस्टेड बाय विच स्टेट? तो कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड एट द 2021 दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड? तो कौन सा फिल्म ने जीत लिया है? पारासाइट होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्टर टू विन द क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? तो किस एक्टर ने जो है यहां पर जीत लिया है? चलिए, तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या होने वाला है? सुशांत सिंह राजपूत। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत जो है यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? सुशांत सिंह राजपूत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 220, नेम द प्लेयर हु हैज लिफ्टेड द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 टेनिस टाइटल? ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 ये किसने जीत लिया है? चलिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये किसने जीत लिया है? ऑप्शन नंबर क्या होगा यहां पर? बी होगा, नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच। और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन था आपका, दादा साहेब फाल्के ये जो पुरस्कार दिया गया है इसमें आपको ध्यान रखना है बेस्ट एक्टर कौन है? दीपिका पादुकोण फीमेल में। बेस्ट मेल कौन है? अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए मिला है। ठीक है, और जो तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा वो कौन हो सकता है आपका? छोड़िए, मेरे कहने का मतलब है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार तो मैंने आपको दिया है अच्छे से, वो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोमेन सिंगल टाइटल किसने जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ओपन का? वोमेन सिंगल टाइटल तो यहां पर किसने जीता है? नोआमी ओसाका ने जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द IPL टीम किंग्स इलेवन पंजाब हैज बीन रीब्रांडेड। अब किंग्स इलेवन पंजाब का नया नाम क्या पड़ा है? पंजाब किंग्स ओनली। ठीक है, पंजाब किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? न्यूली इलेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, यहां पर क्या हो जाएगा? इनका नाम क्या है? अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेशनल वोमेंस डे हर साल कब ऑब्जर्व होता है? नेशनल वोमेंस डे कब ऑब्जर्व होता है हर साल? 13th February को होता है, 13th February को। और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर होगा, द मांडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मांडू फेस्टिवल ये कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। तो ये रहा आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, टोटल 225 MCQ क्वेश्चंस। मैंने आपको अक्टूबर का भी करवा रखा है चैनल पे,
नवंबर का भी करवा रखा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून का क्या है कि मैंने पीडीएफ दे दिया है टेलीग्राम पे, बस वीडियो नहीं बनाया है, बाकी इन सब का वीडियो मेरा बना हुआ है। बाकी आप लोगों को करेंट अफेयर्स में टॉपिक वाइज भी पीडीएफ आप लोगों को दे दिए हैं, तो टॉपिक वाइज में भी जो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड हो गया, ब्रांड एम्बेसडर एक्सरसाइज, रैंक एंड इंडिसेस, ये सब दे दिया है, ठीक है। कल जो आपका क्लास होने वाला है, जो कि जो भी 4-5 दिन एग्ज़ाम हुआ है आपका जो CHSL का, उसका सभी क्वेश्चंस मेरे पास आ चुका है। तो वोकैबुलरी का कल आपका रिवीजन होगा एक, और एक GK का पूरा रिवीजन होगा, है ना। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है सेशन। और सबसे बड़ा बात कि जिस भी टॉपिक से जो है करेंट अफेयर्स में क्वेश्चन आएगा, उस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है, है ना। तो सभी को करेंट अफेयर्स के लिए जो है ऑल द बेस्ट रहेगा। और सेशन को लाइक अगर नहीं किए हो तो थोड़ा भी शर्म है या नहीं है ये बताओ पहले, कि इतना 1.5 घंटा या 2 घंटा होने जा रहा है सेशन का, इतना देर से कंटिन्यू बोलें और बिना लाइक के जाओगे तो मतलब थोड़ा सा भी है कि नहीं है। बाकी सबका क्या कहना है, CHSL में कहाँ तक पढ़ा पता तो दिए, टाइमिंग अभी नहीं बताएंगे, मेरा क्वेश्चंस तैयार हो जाएगा, हम आपको आपके साथ टेस्ट करवा लेंगे। कल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, साइनो का भी, एंटो का भी होगा, है ना। और ये वाला जो इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, जो 3-4-5 दिन जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सबको मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, बहुत टाइम हो गया है। चलिए फिर, ठीक है, अपना अपना ध्यान आप सब लोग रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला वो तो बता ही दिए ना सर, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बना दीजिए ताकि सारी स्टेटिक एक जगह, सब प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। चलिए फिर।